लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
तू कहाँ निकल पड़ी? वो क्या है कि जाना है तो जाओ, लेकिन गहने उतार के जाओ, जमाना बहुत खराब है। उसी के लिए है ना, मेरी बेटी किसी और को प्यार करती है जानते ही मेरी आंखों के सामने मेरी दुनिया उजड़ गई। वो रघु ये जानते हुए भी कि तू किसी और से प्यार करती है तुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया, तब मुझे तो ये लगा कि मेरी किस्मत रघु के रूप में मुझे दोबारा मिल रही है। तूने जो किया वो काफी है बेटी, महलों को ठोकर मारकर कांटों पे चलने की ख्वाहिश मत रखो बेटी, चलो मेरे साथ चलो। दीदी तुम रो रही हो, दीदी मत रो। दीदी मैं कल सुबह स्कूल जाने से पहले विजय से मिलूंगी और कहूंगी कि वो किसी तरह तुमसे आकर मिले। तुम रो मत दीदी। दीदी जल्दी क्यों कर रही हो? स्कूल का टाइम तो नहीं हुआ? आज टीचर ने जल्दी आने के लिए कहा है। शादी का सारा इंतजाम हो जाएगा, देखिए रसोइयों को खाना बनाने के लिए लगा देंगे। एक दो दिन में कार्ड छपवा करके सारे लोगों को भिजवा दीजिए बस, और करना ही क्या है भाई, खाने वाने का इंतजाम तो रसोइया देख लेगा और लोगों के मेहमानों के रहने का जो इंतजाम है वो। बुआ जी जल्दी। हाँ हाँ दे रही हूँ। रुक जाओ बनवारे। जी मालिक। बड़ी वाली ने प्यार व्यार के चक्कर में पड़कर मेरी इज्जत उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कल ये छोटी भी उसी रास्ते पर न चल पड़े। तू भी जा। जी। देखना वो किसी से भी न मिले। अच्छा मालिक। आप बताइए पंडित जी। जी ठाकुर साहब। देखिए बारात आएगी उनको पीछे वाले घर में ठहरा। जय भोलेनाथ। शिव जी बिहाने चले भभूति लगा के सहरा। अच्छा, बनवारी, तुम पढ़ सकते हो? हाँ क्यों नहीं पढ़ सकता हूँ। कहाँ तक पढ़े हो? हाँ पढ़ा लिखा हूँ। अरे बताओ ना कहाँ तक पढ़े हो? अरे जहाँ तक आना चाहिए वहाँ तक पढ़ा लिखा हूँ। उस पोस्टर पर क्या लिखा है बताओ। पढ़ लिया बेबी जी। क्या पढ़ लिया? वो जो पोस्टर पे लिखा है। यानी कि तुम पढ़ सकते हो? अरे कितनी बार बोलना पड़ेगा, मुझे पढ़ाई आती है आती है आती तुम है। कुछ भी पढ़ सकते हो? कोई कुछ भी लिख ले मैं अच्छी तरह से पढ़ सकता हूँ। अच्छा तो मैं कुछ लिखती हूँ तुम पढ़ कर बताना। ठीक है।
पढ़ो, देखती हूँ। पढ़ लो, ये क्या लिखा है? ये क्या छोटी बेबी, उसे देखकर तुम इशारा क्यों कर रही हो? अगर मालिक को पता चल गया तो मैं तो गया काम से। चलो यहाँ से, चलो चलो ना, चलो ना बेबी। इसीलिए मैं ताड़ी पी रहा हूँ यहाँ पर बैठकर। लगता है तू काफी पढ़ा लिखा है। हाँ, पढ़ा लिखा हूँ। पता है हमारी छोटी बेबी को स्कूल ले जाते समय वो मुझे फिल्म का पोस्टर दिखाते हुए पढ़ो बोलती थी। मैं पढ़ा लिखा हूँ ना, पढ़ता था। उसके बाद जब हम रेलवे स्टेशन पहुँचे तो वो ट्रेन के डिब्बे पर कुछ लिख कर कौन है वो लड़का, क्या नाम है उसका, सुजाता बेबी के आगे पीछे प्यार 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 करके घूमता है ना। हाँ, उसे देख के पढ़ने के लिए इशारा किया। हाँ। लेकिन उससे पहले मैंने पढ़ लिया था ना। पढ़ लिया? हाँ, पढ़ लिया। तूने क्या पढ़ा था? छोटी बेबी ने जो लिखा था ना। हाँ। वही पढ़ लिया था। छोटी बेबी ने क्या लिखा वहाँ? मैंने जो पढ़ लिया था ना। हाँ। वही लिखा था। अभी मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुना। हाँ। छोटी बेबी ने रेल के डिब्बे पे आखिर क्या लिखा था ये बता तू। छोटी बेबी ने मुझे पढ़ने के लिए कहा था ना, वही उन्होंने वहाँ पर लिखा था। अब पढ़ा क्या था तू? बेबी ने जो लिखा था वही पढ़ा।
अबे कधे तुझमें अकल है कि नहीं? तेरी बात मेरी समझ में नहीं आई तो इसकी समझ में क्या आएगी? एक हाथ पड़ेगा तो तू सब उगलेगा। जल्दी बता, जल्दी बता। अरे तू भी पूछ ना, जल्दी बता। अरे बता ले, ये मुझे मार रहा है। अरे नहीं बताऊंगा, तू जा, तू जा। अरे मैं पूछता हूं ना, जा यहां से, जा। मार दे मुझे, जा यहां से, जा जा। हां जा, मुझे मारता है। हां बनवारी, तो तू बोल। हां सुन, अरे इसकी बात छोड़। अरे वो तो पागल है, मैं हूं ना, मेरी बात सुन। हां छोटी बेबी ने रेल के डिब्बे पर क्या लिखा था ये बता मुझे। हां मैंने जो पढ़ा था ना, अरे ये आगे मैं नहीं बता, मैं नहीं बता। जा यहां से, जा। अरे तो पूछ ना। अरे तू जा ना यार, समझा करना बात को। जा यहां से बनवारी, तू उसको छोड़ ना यार, मेरी बात सुन। वो चला गया, अब बता मुझे छोटी बेबी ने रेल के डिब्बे पे क्या लिखा था। मैंने जो पढ़ा था ना वही लिखा था। तुमने क्या पढ़ा था? छोटी बेबी ने जो लिखा था वही पढ़ा। लगता है मैं जो कह रहा हूँ वो तू समझ नहीं रहा। ये देख, ये रेल का डिब्बा। हाँ रेल का डिब्बा। छोटी बेबी ने इसमें कुछ लिखा। हाँ लिखा। अब इसको पढ़ो। पढ़ लिया। क्या पढ़ा? इसे पढ़ लिया। ये? हाँ। अरे तुझे पढ़ना आता है? हाँ आता है। कहाँ तक पढ़ा है? बहुत ज्यादा। सचमुच? हाँ। मरी हुई मेरी माँ की। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, छोटी बेबी ने वहाँ पर क्या लिखा था? मैंने जो पढ़ा था वही लिखा था। विजय, मेरा बेटा बोलता अच्छा है लेकिन इसे लिखने नहीं आता, जरा देख लो भैया। मैं देख लेता हूँ, बैठ जाओ। तुम सब ये बोलते रहो, चलो लिखो। कुछ भी लिखो। क्या लिखना है बोलो, मैं वो ही लिखूंगा। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? पार्वती। वो लिखो। पार र व ती। अरे गलत लिख रहे हो, ऐसे नहीं लिखते। पा ऐसे लिखते हैं। र देखो इस तरह, व ती। साफ करो, परीक्षा में तो लिखते नहीं है, ट्रेन के डिब्बे पे लिखते हैं। अगर उनको मौका मिले तो आके मेरे पीठ पे लिख जाएंगे वो लोग। और पानी डालो, ठीक से साफ करो। अरे भाई उधर साफ करो ना। अरे ठीक से साफ। अरे नीचे इधर। अरे क्या कर रहे हो यार तुमको? अरे अरे सब साफ करो। भाई साहब, एक मिनट। क्यों क्या हुआ? सुजाता दीदी तुम्हारे लिए राम मंदिर के पास इंतजार करने वाली हैं, तुम वहां जरूर पहुंचना।
पिताजी, मैंने मंदिर में परिक्रमा करने की मन्नत मांगी है, आप लोग बैठ जाइए, मैं परिक्रमा करके आती हूँ। ठीक है बेटी। दीदी के साथ जाकर मैं भी परिक्रमा कर आती हूँ पिताजी। ठीक है जाओ। घर में हंसते खेलते बच्चों को देखकर हमारे मन में कितनी खुशी हो रही है। कल उसकी शादी होकर वो ससुराल जाएगी तो घर सुना सुना हो जाएगा। जब मेरी बेटी पायल पहन के सामने आती है महालक्ष्मी लगती है, आपको अपनी स्वर्गवासी माँ याद आती है। समझ में नहीं आ रहा। मैं समझ गया बे, अभी बताता हूँ। पकड़ो साले को, इसे भी पकड़ो। ए, मेरी होने वाली बीवी ऐसे चोट नहीं लगनी चाहिए। तो इसी से प्यार करती है ना? हाँ? बुरा नहीं, अच्छा ही है। नजर मत हटाना, कह देता हूँ। जब प्यार किया था तो नजर मिला के किया था ना, अब जब मैं इसे मारूंगा तो आंखें पूरी खुली रख कर देखना। नजर बचाने की कोशिश की तो काट डालूंगा इसे। अगर इसने जरा से भी नजर हटाई तो घुसा देना। प्यार इसे कहते हैं। देख रही है ना? देख रही है ना? देख, देख। देख रही है कि नहीं? से प्यार करती है ना? हाँ, बहुत अच्छी। ए, मेरे हाथ में फोन लगा है, जरा धो इसे। धो दे। देखा ये कितनी खूबसूरत है, ये चाहिए तुझे। ये मेरी होने वाली बीवी है। बीवी क्या होती है जानता है तू? जानता है। क्या हुआ? मैं बताता हूँ। तुम्हारी बेटी की मेरे साथ मंगनी हो चुकी है और ये यहाँ इसके साथ रंगरलियाँ मना रही। ये सब तुम्हारा ही रचा हुआ प्लान है। फिकर क्यों कर रहे हो ससुर जी? शादी रुक जाएगी सोच के? शादी रुक गई तो तुम्हारी इज्जत चली जाएगी ना। तुम्हारे घर की बेइज्जती मेरे घर की बेइज्जती नहीं है क्या? तुम्हारी बेटी चाहे जो मनमानी करे, मैं उसे अपनाऊंगा। मेरी खातिर नहीं, तुम्हारे और तुम्हारे घर की इज्जत और आबरू की खातिर। बेफिक्र होके जाओ, तय किए हुए दिन और तय किए हुए मुहूर्त पर शादी होकर रहेगी। ले जाओ अपनी बेटी को।
देख, देख, मुझे देख। अगले शुक्रवार के दिन 7:20 पर मेरी शादी है, तुझे आना होगा। मुझे उसे मंगलसूत्र पहनाते हुए तुझे देखना होगा, समझ गया? समझ गया कि नहीं? ये हुई ना बात। ये दीवार पर क्या लिखा है देख? वो भी खून से लिखा है भाई जी। सुजाता से तेरी शादी मैं किसी सूरत में नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं और सुजाता एक दूसरे से प्यार करते हैं। विजय, होगी प्यार की जीत। मेरे घर में घुस गया वो, खत्म कर दो उसे। जाओ सब लोग। वो कॉलेज का लौंडा विजय कहाँ है? वो विजय कौन है मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता? क्यों नहीं पता? स्टेशन पे इतने लोग आते जाते रहते हैं, उसमें विजय कौन है मुझे क्या मालूम। ऊपर पट्टी बांधने से काम नहीं चलेगा। घर की इज्जत भरे बाजार में पहुंच गई है, गुंडे घर पर आने लगे हैं, अब ये खामोशी नहीं चलेगी। बोलो। उसका नाम है विजय कुमार, पुरानी बस्ती में रहता है। विजय कुमार तेरा बेटा है ना? तेरे बेटे ने अपनी औकात भूलकर प्यार किया है। झोपड़े में रहने वाला कुत्ता महलों के ख्वाब देखता है, जूते पांव के नीचे ही होते हैं। अपने बेटे से बोल देना कि सुजाता से दोबारा ना मिले, नहीं तो खत्म कर दूंगा उसे। आसपास छुकरे खड़े किए कि नहीं? नहीं भाई। लोगों में अक्कल है कि नहीं? क्या है, कुछ भी हो जाए लौंडा अपनी माँ से मिलने जरूर आएगा। ए राजू, शंकर, तुम दोनों वहाँ जाओ और जैसे ही वो दिखे उसे खत्म करो। उसकी लाश के इतने टुकड़े करना कि यमराज भी उसे पहचान ना पाए। भाई जी, फिर लिखा हुआ है खून से। तूने क्या सोचा मेरी माँ को डराने से मैं डर जाऊंगा? तेरी शादी को रोकना ही मेरी जीत है। विजय, होगी प्यार की जीत। लिखकर कहाँ गया होगा? अरे वो कहाँ का कहाँ पहुँच गया होगा? चला गया होगा? हाँ गया होगा। चला गया? हाँ गया होगा यार। छोटे मालिक, हैं? ये किसी बाहर वाले ने आकर नहीं लिखा है, इसी ने लिखा है, गारंटी। माँ कसम भाई जी, मुझे कुछ भी पता नहीं, मेरा हाथ कितना साफ है देख लीजिए। हाथ दिखा के धोखा दे रहा है? चाहे तो पंजा का साइज देख लीजिए। साइज? साइज दिखा के डरा रहा है? ऐसा नहीं भाई जी, मैं कुछ नहीं जानता। मैं दावे से कह सकता हूँ इसी ने लिखा है। विश्वास कीजिए, मैं कुछ नहीं जानता। इसी ने लिखा है? कुछ भी नहीं जानता। विजय ने उस लड़की से प्यार करके गुनाह किया कह रहे थे, फिर उस लड़की से मिला तो जान से मारने की धमकी दी। वो कहाँ है तुम लोग जानते हो? नहीं माँ जी। वो जहाँ भी है उसे ढूंढ निकाल कर उसे बता देना कि उस लड़की के बिना घर पर आया तो मैं उसे जान से मार दूंगी। प्यार में अमीर गरीब का फर्क नहीं होता, ये उन्हें पता चले। आन बान में हम कम हो सकते हैं, धन दौलत में हम कम हो सकते हैं, लेकिन हिम्मत में हम किसी से कम नहीं, इसका एहसास उन्हें जताना है। रुक जाओ, मुझसे शादी का वादा करके उस लड़की के साथ शादी करने वाले हो? तब तुझसे शादी करने की सोची थी, उसे देखने के बाद उससे शादी करने का फैसला किया और करने वाला हूँ। तो मेरा क्या होगा? ए, तुझे तो सिर्फ एक मर्द ही चाहिए ना। हाँ? ए शिवा, तू
इससे शादी कर। झिझक क्यों रहा है बे? ओ ये मेरे साथ सोई है इसलिए, तू हमें देख चुका है इसलिए तेरे को पता है, नहीं देखा होता ना तो तेरी शक्ल के लिए बहुत अच्छी है। चल टाका बिड़ा ले इससे, चल आट, आट रे। अरे साइड बैठो, छोटे मालिक की बात मानना। ए बनवारे। जी मालिक। गेस्ट रूम का दरवाजा खुलवा दो। ठीक है। बनवारे। जी मालिक। इन लोगों को वहां लेकर जाओ। जी मालिक। क्या हो बेटी, क्यों रो रही है? तू कितना भी रो, तेरी शादी रघु के साथ ही होगी। ये रोना धोना बंद कर और जाके मुंह धो ले, चल। ए, सारा सामान संभाल के रखना वहाँ वो स्टोर रूम में। और सुनो, तुम लोग बाहर जाके वहाँ वो मंडप में हाथ बटाओ जाओ। हाँ सब हो गया है, हल्दी और कुमकुम लेकर आइए, जल्दी पान का पत्ता भी लेकर आइएगा। आप मंत्र पढ़िए। आखिर इतना खून विजय भाई के पास आता कहां से है? सो जाता, तुम्हें रोते हुए मैं नहीं देख सकता। रोना मत, ठीक 7 बजे आके मैं तुम्हें ले जाऊंगा। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि प्यार को कोई कुत्ता झुका नहीं सकता। विजय, होगी प्यार की जीत। वो तुम्हारे घर में घुस आया, तब तुम लोग क्या कर रहे थे? हमारे घर में आया, जो हमने किया वही इन बेचारों ने किया होगा। हमारे घर पे आया तो हमने क्या उखाड़ लिया? घर के चारों तरफ अपने आदमियों को लगाओ, कोई भी अनजान आदमी घर के अंदर ना घुस पाए, अगर आ गया तो जिंदा बच के ना जाने पाए। फिर भी वो यहाँ आके सुजाता बेबी को ले जाएगा, मेरा मन कहता है छोटे मालिक, कारण कि प्यार की कभी हार नहीं होती ना। टकलू जो बोल रहा है वो सही है, दुनिया में आज तक प्यार की कभी हार नहीं हुई है। पिताजी, दीदी को ये दूल्हा बिल्कुल पसंद नहीं है, वो पूरी रात रो रही थी, आप ये शादी रोक दीजिए पिताजी। छोटी मुँह और बड़ी बात मत करो, अंदर जाओ। फिर से लिखा हुआ है खून से। जैसे ये टकला भाई जी को नहीं छोड़ता है, वैसे ही ये विजय भी हमें नहीं छोड़ने वाला। अरे बाप रे, तू सुजाता को मंगलसूत्र नहीं पहनाएगा, तेरे सामने मैं पहनाऊंगा और दिखा दूंगा कि प्यार क्या होता है। विजय, होगी प्यार की जीत। मुंबई की ट्रेन कब आएगी सर? राइट टाइम बोलूं तो 7:10 आज आने वाली है ऐसा लगता है। टाइम पे 2 टिकट दीजिए सर। कौन है तू? मैं वो सुजाता का क्लासमेट हूँ। तो क्या? तो शादी में आया हूँ। चल ना। घूरता क्या बे? चल फट फट। विजय का अंदर आना बहुत मुश्किल है दीदी, घर के चारों तरफ पहरा है। हाँ?
निकलता जा रहा है। जाइए वर वधु को लेकर आइए, जाइए। ज्यादा नहीं आई? अभी तक तो नहीं आई मालिक। भगवान कुछ ऐसा करो कि विजय यहाँ पर आकर दीदी को ले जाए प्लीज। सुजाता तू अंदर है? तैयार हो गई? हो गई। तो फिर दरवाजा खोल। छोटे मालिक की तो एकदम फट गई है। हाँ फट गई है तो जोड़ेंगे कैसे? एक मिनट मैं आती हूँ। तो फिर देरी क्यों लगा रही है? अभी आई। चल दे। फट गई है यार। हाँ पूरी तरह भाई जी। दरवाजा खोलना। खोल। अरे पूरी तरह फट गई है। नीचे नीचे। क्या फट गई कर रहा है? आपकी धोती नीचे फट गई है वही तो बता रहा हूँ। इधर है भाई जी। नीचे नीचे। अरे नहीं मैंने मैंने बोला। इसने बोला इसने बोला भाई जी। ले गया छोटे मालिक। पकड़ो उन दोनों को। ये विजय घर के अंदर घुस के कैसे दीवार पे लिख के जाता था अब मुझे पता चला। वो कैसे? छत से। मैं तो पहले से ही जानता था। पहले से जानता था? हाँ। Hey!
वो स्टेशन की तरफ गए, वहां जाओ। मामला है प्लीज सर, लव का मामला है। हाँ सर, असली लव दे ले कुछ भी करेंगे। आजा भैया जल्दी, आजा 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 जल्दी कर, आजा जल्दी कर, आजा आजा दे दे, आजा हट ले, आजा 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 जल्दी जल्दी हट ले, आजा जल्दी बच्चे। हां बुढ़िया जल्दी आजा, जल्दी आओ जल्दी आओ। No.
सब ठीक हो जाएगा पुत्र। कर लेंगे, जंगल पार करने से हम टाउन पहुंच जाएंगे। लेकिन हम वहां पहुंच पाएंगे? जिनके पास ये झंडा रहा वो कभी नहीं आ रहा। अर्जुन से लेकर आज तक सबकी जीत हुई है, हमारे प्यार की भी जीत होगी। हमारे प्यार की यही शक्ति है। दर्शनम् तव पादपङ्केरुहम्
रुक क्यों गई? मुझसे चला नहीं जा रहा, बहुत भूख लगी है। हेलो, मैं रघु बोल रहा हूँ। बोलो भाई। अरे टकले, यहाँ क्या लिखा है? पर कॉल 2 रुपीज। मतलब? इसलिए कहता था कि थोड़ा पढ़ ले। पैर काटने का 2 पेटी। पैर काटने का 2 पेटी और हाथ काटने का? बेवकूफ, फोन के 2 रुपए। कान से सुनता है, मुंह से बोलता है, तो फिर फोन के लिए पैसे क्यों दे? यही फोन के देने पड़ते हैं यार। फोन करने का 2 रुपया। हाँ। और सुनने का? जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली थी वो मंडप से भाग चुकी है और भाग कर अपने यार के साथ इसी जंगल में छुपी है। जो मेरी नहीं हो सकी वो किसी की नहीं हो सकती। पहले उसे खत्म करो, बाद में उस लौंडे को भी। हाँ ठीक है भाई। बहुत प्यारा सा है, इसे कैसे खाएंगे? तो इसका क्या करें? ये प्रीत होगी प्यार की जीत, ओ मेरी मम्मी होगी प्यार की जीत। तेरी इन 2 आँखों में है मेरे 2 जहाँ, तेरी बाहों में है मेरी छोटी सी दुनिया। कोशिश दुनिया ने की है पर झुके कभी ना प्यार, कहती है ये प्रीत होगी प्यार की जीत, ओ मेरी मन्नी होगी प्यार की जीत। जाने ले जाए हमें कहां, ये सफर कट जाएगा तुम साथ हो जाने जा। दिल है मेरा मगर धड़कन उसमें तेरी, आंखों में हम सफर रोशनी है बस तेरी। हम तुम मिलके बदलेंगे इस दुनिया की रीत, कहती है ये प्रीत होगी प्यार की जीत, मेरे मन में होगी प्यार की जीत। एक दूजे के वास्ते सच हो जाएगा आंखों का सपना, याद रखे दुनिया प्यार ये अपना। हम तुम मिलके बदलेंगे इस दुनिया की, कहती है ये प्रीत होगी प्यार की जीत, ओ मेरी मम्मी होगी प्यार की जीत। इन 2 आँखों में है मेरे 2 जहाँ, तेरी बाहों में है मेरी छोटी सी दुनिया। कोशिश
कोशिश दुनिया ने की है पर झुके कभी ना प्यार। तेज हवा का झोंका है रुके कभी ना प्यार, रुके कभी ना आधे घंटे में हम टाउन पहुंच जाएंगे। चलो सुजाता, सुजाता रुको, रुको मेरी बात तो सुनो। सुजाता, सुजाता रुको मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। ए, भाई को छोड़ के यार के पीछे भागती है। रुको, विजय उसे क्यों मारा? ताकि वो तुम्हें ना मार पाए। मेरे लिए मारा है ना? मतलब मेरे लिए मार सकते हो? हाँ। यानी तुम मार सकते हो? अब हमें भागने की जरूरत नहीं, तुम जाके उन्हें मारोगे। जाओ जाओ यार, जाओ जाओ ना। पहले मालिक ने उन दोनों को मारने के लिए इनको संदेशा दिया, फिर ये लोग खरगोश को मार के उनको संदेशा दिया, अब वो लोग मोटू को मार के मालिक को संदेशा दे रहे हैं। इस तरह सब लोग एक दूसरे को संदेशा दे रहे हैं। ये जंगल है कि पोस्ट ऑफिस है? अरे उस लड़के के संदेशे में बहुत संभल के छोटे मालिक, चिकना है फिसल जाओगे। पहली बार जब वो विजय आपके घर में घुस आया और आपकी दीवारों में खून से संदेशा लिखा तब आपका चेहरा देखने लायक था, फिर शादी के दिन ओपन चैलेंज करके आपके सामने दुल्हन को उड़ा ले गया तब आपका चेहरा शर्म से झुक गया। अब उस मोटू की धज्जियां उड़ा के आपके मुंह पर काली पोत दिया ना, वो देखकर मेरी तबीयत तो खुश हो गई। आपको तो डूब मरना चाहिए। हाथ उठा के मारते हो ना, मैंने पार्टी बदल ली है। हाँ? ज्यादा मुंह मत फाड़, मक्खी घुस जाएगी। अबे लंगड़े घोड़े की सवारी करेगा तो क्या खाक रेस जीतेगा? इधर आजा, जीत हमारी होगी। हाँ, आ रहा हूँ। आजा आजा। उस
दिन ये तुम्हें बड़ी ही बेरहमी से मार रहा था और मुझे देखो देखो कह रहा था ना, आज तुम इसे मारोगे और मैं देखूंगी। जाके मारो। जय हो। जय हो। ए, तूने दो बार मेरे हाथ से मार खाया है, याद नहीं है? दूर क्या रहा बे, मारेगा मारेगा। सीधी तरह खड़े रहने की ताकत भी नहीं है और तू मुझे मारेगा? मारेगा मेरे को? ये क्या टकलू, सच्चाई और सच्चे प्यार की जीत होगी कहकर यहाँ हमारे भाई जी सच्चे प्यार का थोबड़ा बिगाड़ रहे हैं। मैं दल बदलता हूँ। रुक जा, जल्दी मत कर, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। प्यार चाहिए तुझे, प्यार। किसी से प्यार किया है तूने? हर प्रेम कहानी में आखिर में प्यार करने वाले को मरना पड़ता है। इस कहानी में भी तुम दोनों मरोगे। क्या कहा? ये मुझे मारेगा और तू देखेगी। देख देख। समझना कि तू जीत गया। विजय, विजय, जिसके पास भी ये झंडा रहा है वो कभी नहीं हारा है। अर्जुन से लेकर आज तक सभी की जीत हुई है। हमें भी अपने प्यार को जिताना होगा। हमारी प्यार की यही शक्ति है। जाओ। Yeah.
झंडे को नीचे मत गिरने देना। अपनी बेटी के जज्बातों को समझने में मैंने बहुत देरी कर दी। यही मंगलसूत्र पहनाओ। रुकिए रुकिए, तुम दोनों को जो भी तकलीफ हुई उसका जिम्मेदार मैं भी हूँ। उसका सही प्रायश्चित ये है कि तुम दोनों की शादी मैं अपने हाथों कराऊं। चलो बच्चा लोग बाजा बजाओ। एक मिनट रुकिए, पहले रघु को उठाइए। विजय को मुझे मंगलसूत्र पहनाते हुए उसे देखना होगा। ए, उठ। ए, वहां देख। मंगल्यं तंतुना नेना मम जीवन हेतुना